ki khubor ka batisi tv lawan rashapi da ka orange nissan lumso port near fire brigade shillong admissions are open at bdw international school enroll now The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361-19558. Menteri Rangba Jong Kejelau Konrad Kongkel Sangma kekat arterik upenai naiwing arajar arpuwai. Ulabu yau maunong rim na kebenta bantai ke skim sam umbam ya kepada tipkum ke Jorobat Combined Water Supply Scheme. Haka senong mausmai ke bahab hapa upudu sam Jong Keribhoi District. Haka ni ke jingilang le sakhilang do MLA Jong Kejirang Constituency uba Sustenance Sotun baru MDC Jong Kejirang Constituency uba Victor Rani bat kiwai kiwai. Lingba gani ka project ya ka umbam umdi an sapenpoi shaki South Liki Shnong ki bakin thop ya ka Shnong Jorobat ka Mausmai ka Amper bat ka Ampanggiri Shwa gani umentri rang ba ula pelipa ba ya ka guest house ka badang sudap shna thamai jong ka North Eastern Police Academy ka badan ha ka Shnong Umsaw Haribhoi District Jal Jeevan Mission jo ek bahut hi zaruri एक मिशन और एक स्कीम है भारत सरकार की तरफ से और मेघालय की सरकार की तरफ से हमारा यह मकसद है कि हम हर घर तक नल देकर पानी आप लोग के घर तक पहुंचाएं आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 2019 से पहले टोटल करीब करीब 6 लाख घर है हमारे रूरल एरियाज में गांव में और आपको ताज्जुब होगा कि इन 6 लाख घरों में से 2019 से पहले सिर्फ 4000 घरों में नल से पानी मिलता था 6 लाख में से सिर्फ 4000 घरों में यानी कि 1% से भी कम घरों में नल था लेकिन आज हमारे डिपार्टमेंट हमारे चीफ इंजीनियर मिशन डायरेक्टर सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और सभी पब्लिक के काम करने की वजह से आज हम लोग इस नंबर को 4000 घरों से आज करीब करीब 2 लाख घरों तक हम लोग पहुंचा पाए हैं 1 साल 1.5 साल के अंदर में और हमारा ये लक्ष्य है कि हम लोग 2022 दिसंबर तक हमारे लक्ष्य है कि हम लोग इसे पूरा कर पूरे 5,80,000 करीब करीब 6 लाख घरों तक हम लोग नल से पानी या जल पहुंचाए ये हमारा मकसद है मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से हमारे डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे चीफ इंजीनियर मिशन डायरेक्टर और सभी लोग काम कर रहे हैं मुझे उम्मीद है कि हम लोग हमारा लक्ष्य जो है पूरा कर पाएंगे जब से हमारी ये एमडीए सरकार आई है हम लोगों ने डेवलपमेंट को सबसे आगे रखा है चाहे पीने का पानी क्यों ना हो चाहे रास्ते क्यों ना हो चाहे हमारे स्कूल्स क्यों ना हो अस्पताल क्यों ना हो हमारे स्टेट में इसकी बहुत कमी थी और पब्लिक को इसकी वजह से बहुत दुख झेलना पड़ा मैं ये नहीं कह रहा कि 3.5 साल में हमने सब कुछ बदल दिया ये मुमकिन नहीं है लेकिन आपको मैं यह बता सकता हूं कि जो काम हमने पिछले 3.5 साल में किया है वो पिछले सरकार ने 10 साल में नहीं किया यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं चाहे आप रास्ता देखिए जो पिछली सरकार थी 10 साल में 700 किलोमीटर के रोड बनाए पीएमजीएसवाई में 700 किलोमीटर के रोड 10 साल में हमने 3.5 साल में 1800 किलोमीटर के रोड बना दिए और 1000 किलोमीटर हम लोग बनाएंगे इस 5 साल के अंदर में
गुना ज्यादा, जो 10 साल में हुआ वो 5 साल में हमने 5 गुना ज्यादा किया। अब जल जीवन को देखिए, जहां 4,000 घरों में नल से पानी मिलता था, आज करीब करीब 2 लाख घरों में मिल रहा है, और 1-1.5 साल के अंदर हम लोग कम से कम 5 लाख घरों में ये नल से हम लोग पानी घर में देंगे। तो डेवलप, हमारे डेवलपमेंट हमारे एजेंडा में है। जहां पिछले 10 साल में करीब करीब 40,000 करोड़ का खर्चा हुआ, हम लोगों ने 3 साल के अंदर में 50,000 करोड़ से ज्यादा हम लोग ने डेवलपमेंट और अलग अलग एक्सपेंडिचर में हमारी इस एमडीए सरकार ने 3.5 साल में जो पिछले सरकार ने 10 साल में की थी उससे ज्यादा किया है। तो दोस्तों, आज डेवलपमेंट जैसे मैंने कहा हमारा टॉप एजेंडा है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं यहां पे आकर, ये प्रोग्राम सरकार की तरफ से बहुत छोटा प्रोग्राम है, ये कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, बहुत छोटा प्रोग्राम है, लेकिन क्योंकि ये आपके हर घर में इसका इंपैक्ट है, और इससे मुझे मालूम है हमारी महिलाओं को, हमारे माए जो है, हमारे बहनें जो है, उन्हें इससे बहुत राहत मिलेगी। इस जोरबा कंबाइंड वाटर सप्लाई स्कीम विल कवर 4 मेन विलेजेस, जोरबा, माफमाई, अम्फेर, अम्फ्रांगिरी एंड 5 हैमलेट्स ऑफ माफमाई, जीएस रोड, नोंगथमाई, नुरिमन, सीडीआई कॉलोनी एंड जीएस रोड कॉलोनी। ऑल दिस विलेज फॉल अंडर उमलिंग कम्युनिटी एंड रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक। So the function of the scheme, as I told you, 13.13 crore. In this scheme, actually, we have got 13 crore, but this old scheme, last time we have one scheme, but that scheme is now not functioning for 1.5 years due to some problem, due to construction of this 4-lane national highway. So some of our main line, we cannot retrieve it. And for the last 1.5 year, we don't have water supply in this village. So luckily this time under Jal Jeevan Mission, we have got the scheme with 13.13 crore. Now the works also has already been allotted to the contractor, and I hope that the work will be started very soon. Yeah, it's all the